आशा के मोती चैनल में संकट गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। संकट गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा के दौरान संकटी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना जरूरी होता है। पुरानी कथा। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता दिया या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सब ने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको सवा मन मूंग, सवा मन चावल, सवा मन घी और सवा मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वार पर बनाकर बिठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझा कर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देंगी, जिससे उनके वाहन धरती में धस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले। ये जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया, तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूछते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी कुशल घर लौट आई। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु का जैसो कार्य सारियो ऐसो कार्य सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय।